आचार संहिता है, बोलना मना है। रमजान का महीना है, साफ सफाई मना है। कमिश्नर राज है, साफ सफाई मना है। देश के संविधान को मानने वाला हूं, आदर्श आचार संहिता को मानने वाला हूं। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर साहब, मैं सुना हूं कि कमिश्नर और प्रशासक बोले नहीं बोलना चाहिए, लीडरों ने उनके खिलाफ में बयान नहीं देना चाहिए। बोले प्रशासन बोलो, जो डिपार्टमेंट की गलती है बोले उनको गालियां दो, मेरे खिलाफ नहीं बोलने होना। तो शायद उनको इतिहास ये शहर का पता नहीं है, उन्होंने माजी का इतिहास को देखना चाहिए। बहरहाल, इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, स्थापना खर्चा 50% से ज़्यादा है, कर्मचारी हजारों है, साई आयुक्त, बाकी इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अकाउंटेंट, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। ये फोटो जो आज मैंने खामोश जो एहतजाज वहाँ पर किया और जो वहाँ पर नीचे रखा था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आज मेरा रोज़ा में झूठ फसाद नहीं बोलता। आज के फोटो, आज के 12 बजे के बाद की, आज 12 बजे के बाद की तमाम ही ये जो दोनों कचरे के फोटो नज़र आ रहे हैं, उस पर लिखा हुआ कहाँ कहाँ थे आज के फोटो। रमज़ान महीना इतना पवित्र, इतना पाक महीना, इतना बरकत वाला महीना हमारे लिए है। मालेगांव का नहीं, दुनिया का मुसलमान रोज़ा रखता है, लेकिन साफ सफाई नहीं है कॉर्पोरेशन। मस्जिद के बाहर आप देखो, वहाँ सफाई नहीं है। स्कूलों के बाहर सफाई नहीं है। मच्छर शहर के अंदर जगह जगह हो चुके हैं। मस्जिदों में मच्छर है, घरों में मच्छर है, बाहर मच्छर है। इतने आवाम परेशान हो चुकी है। अब ऐसा है कि हम परमिशन मांगने जाएंगे तो परमिशन देंगे नहीं। कानून के मुताबिक ये दोनों साथियों के साथ आज मैंने इनको बताने के लिए कि वहाँ ये जो फोटो है, अधिकारी वहाँ नहीं जा पाएंगे, बेचारों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत वक्त नहीं है उनके पास। तो इसके लिए वो जितने भी फोटो आज जमा किए, मैंने ला के इनको बता दिया, देखो यहाँ सफाई करना है तुमको, है ना। तो नहीं करेंगे, कल फिर वापस दूसरे एरिए के फोटो ला के फिर बताएंगे, देखो भैया है यहाँ सफाई करना है तुमको, क्योंकि इनको नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आज इनको सिर्फ मैं फोटो बताने आया था कि गाँव कितना गंदा है, सफाई नहीं है, मच्छर कितने, ये बताने आया था, ये बता दिया हूँ, वापस जा रहा हूँ। क्या प्रशासक राज में अब सिर्फ माजी आमदार, माजी कॉरपोरेटर, समाज सेवकों का काम सिर्फ यही बचा है क्या, मार्गदर्शन करना? अरे ऐसा है कि कमिश्नर साहब कल किसी को बोल रहे थे, एक नगर सेवक, माजी नगर सेवक को, शायद यहाँ खड़े हो गए, क्या आचार संहिता 2 दिन पहले थोड़ी लगी? बोले जिस दिन प्रशासक राज आया, बॉडी का मुद्दत खत्म हो गई, उसी दिन प्रशासक यानी आचार संहिता लग गई थी। बोले इसलिए तुमने यानी इनका बोलने का मतलब, कोई आओ मत, सिर्फ 2 लोग की सुनूंगा, शहर के एमएलए साहब की सुनूंगा, शहर के, महाराष्ट्र के, जिले के पालक मंत्री दादा भुसे साहब की सुनूंगा, कोई मत आओ। लोकतंत्र को दबाने की कोशिश चल रही है। अब मुझे शंका है, शक है भाई, कि प्रचार की निवड़णूक की जब सभा होंगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, कमिश्नर साहब उस पर भाषण ना करने चले, डर लगने लगा, क्योंकि 7 लाख लोगों की आबादी का प्रशासक, यानी क्या फादर, तो डरना पड़ेगा। सरकार उनकी है, हम बोलना मना है, रमजान है, आचार संहिता का पालन होना, इसलिए फोटो ला के तुम्हारे सामने, मीडिया के सामने रख दे, ताकि इनको दिख जाए, शहर की सफाई हो जाए, हाथ जोड़ के उनसे विनती। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।